नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया का खास कार्यक्रम देवभूमि का दंगल और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी पौराणिक सभ्यताओं का सवाल, तीर्थ पुरोहितों में बवाल। उत्तराखंड की धामी सरकार चारधाम यात्रा के संचालन के लिए अब नए मार्गों पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम ने यमुनोत्री धाम की धारण क्षमता बढ़ाने को कार्य योजना तैयार किए जाने के भी निर्देश दिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने यात्रा प्राधिकरण को लेकर भी साफ किया कि प्राधिकरण के पास प्रदेश की सभी यात्राओं के संचालन की जिम्मेदारी होगी। चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्यक्षेत्र सिर्फ चार धामों तक सीमित नहीं होगा, बल्कि प्रदेश में सभी प्रकार की यात्राओं के प्रबंधन की जिम्मेदारी भी प्राधिकरण के पास ही रहेगी। प्राधिकरण गठन के पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि प्रदेश में बढ़ते धार्मिक सामान्य पर्यटन के मद्देनजर राज्य के पास एक ऐसी संस्था हो जो इन सभी जिम्मेदारियों को तैयारियों का सही से निर्वहन कर सके। वहीं राज्य की ओर से यात्रा प्राधिकरण और नए मार्गों पर चल रही कवायद का विरोध भी शुरू हो गया है। जगह जगह पर चारधाम यात्रा से जुड़े कारोबारियों और तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से चारधाम यात्रा को पुराने रूटों से ही संचालित करने की मांग की है। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने चारधाम यात्रा को लेकर समय से कोई तैयारी नहीं की, जिसकी वजह से तीर्थयात्रियों और कारोबारियों को भी परेशानी हो रही है। सरकार को चाहिए कि वो सभी से बातचीत कर निर्णय ले। अब सवाल यह है कि क्या धामी सरकार अपने फैसले को वापस लेगी या फिर नहीं, आज करेंगे इसी पर चर्चा। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज के स्पेशल रिपोर्ट पर। उत्तराखंड में धामी सरकार के फैसले का विरोध शुरू हो गया है। साथ ही सरकार के मंत्रियों को भी तीर्थ पुरोहितों और व्यापारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा ही कुछ उत्तरकाशी में भी देखने को मिला, जहां प्रभारी मंत्री उत्तरकाशी के दौरे पर थे। इस दौरान होटल एसोसिएशन व अन्य संगठनों ने मंत्री वापस जाओ के नारे लगाकर अपनी नाराजगी व्यक्त की है। दरअसल सीएम धामी ने चारधाम यात्रा को कोटद्वार से संचालित करने की संभावनाओं को तलाशने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं, जिसका अभी से विरोध शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री का कहना है कि अधिकारियों को जल्द रिपोर्ट तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, हमारा इसके पीछे सरकार का स्पष्ट एक मंशा है, उनकी प्राथमिकता है कि चारधाम यात्रा हमारी बहुत व्यवस्थित तरीके से चले और हमारे आने वाले सभी यात्री चारधाम यात्रा का एक अच्छा संदेश लेकर जाएं, अच्छा अनुभव लेकर जाएं, सबकी यात्रा आसानी से हो, उनकी भी सुविधा हो और जो चारधाम यात्रा के कारण से हमारे पूरे इस क्षेत्र का एक पूरी आर्थिकी चलती है, व्यापार चलता है, साल भर का उनका काम चलता है, वो काम प्रभावित न हो बल्कि वो आने वाले समय में यात्रियों के साथ अच्छी एक ब्रांडिंग हो। ऋषिकेश में इस वर्ष एक बड़ा अनुभव यह आया कि राफ्टिंग के कारण से, अन्य कारणों से काफ़ी लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। तो एक हमने वैकल्पिक, ये पहले समय में कोटद्वार से यात्रा प्रारंभ होती थी, कोटद्वार भी उस यात्रा का एक मार्ग हो सकता है। इसी प्रकार से जो हमारी विकासनगर से यात्रा चलती है तो डामटा से आगे की जो सड़क है उस सड़क का चौड़ीकरण के लिए मैं माननीय गडकरी जी से अनुरोध करने वाला हूँ, उनसे मिलूँगा। हमारा तो ये तो आप सभी को अवगति है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो हमारी चार धाम की यात्रा है और सदियों से चली आ रही है, दशकों से चली आ रही है और उसका मुख्य जो पड़ाव है हरिद्वार ऋषिकेश से माँ यमुना गंगा और केदार घाटी और बद्री विशाल वापस हरिद्वार। लेकिन विशेष सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि हमारे जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका अभी जो है प्रोग्राम हो रहा है कि हम यात्रा रामनगर से शुरू करेंगे और वहां से आपका केदार बद्री और अगर लास्ट में किसी को आना होगा यमुनोत्री और गंगोत्री तब आएंगे, नहीं तो ये जो है चार धाम का जो सदियों से चल के आ रखा है ये पूर्व
वेदों में भी वर्णित है कि सबसे पहले जब पैदल यात्रा चली थी तब भी जो है ऋषिकेश और हरिद्वार से शुरू हुई थी और उसके बाद जब वाहन शुरू हुए तब भी वहीं से चली है। आपको बता दें कि चारधाम यात्रा अभी मुख्य रूप से हरिद्वार ऋषिकेश से संचालित होती है। यहां पर बड़ी संख्या में यात्रियों के पहुंचने के चलते जाम की समस्या भी बड़ी है। ऐसे में चारधाम यात्रा का संचालन किस तरह से कोटद्वार से किया जा सकता है इसकी भी संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। इसके अलावा भी धामी सरकार यात्रा प्राधिकरण के गठन पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि यात्रा प्राधिकरण के पास प्रदेश की सभी यात्राओं के संचालन की जिम्मेदारी रहेगी। चारधाम यात्रा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य क्षेत्र सिर्फ चारों धामों तक सीमित नहीं होगा। वही तीर्थ पुरोहितों ने सरकार के इस फैसले का विरोध भी शुरू कर दिया है। साथ ही विपक्ष भी सरकार पर हमलावर हो गया है। प्रदेशवासियों, भारतवर्ष की जनता से हमारा निवेदन है कि हमारा सनातन धर्म बहुत पुराना है। शंकर सारे आदि लोग भी यहाँ पर जो है समय समय पर आए हैं। आदि शंकराचार्य महाराज जी ने उत्तराखंड में चार धामों की व्यवस्था की थी और यह व्यवस्था दाहिनी परिक्रमा से होकर के बाएं तरफ पूर्ण होती है। वर्तमान में ज्ञात हुआ है कि सरकार जो है इस उत्तराखंड की चारधाम यात्रा है जो ग्रीष्मकाल में चलती है इसको जो है दूसरे तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। करें, विकास करें, कहीं भी यात्रा को ले जाए हम उसका स्वागत करें। उत्तरी फिर आया है केदारनाथ और फिर आया है बद्रीनाथ। यहाँ तक कि शंकराचार्य जी ने जब बद्रीनाथ जी की स्थापना की तो थुलिंग मठ से जो बद्रीनाथ की मूर्ति लाए तो इसी जगह पे भगीरथ स्थान, इसलिए मैं कह रहा हूँ भगीरथ स्थान, इसी भगीरथ के स्थान पे लाया। देवी सूर्यश्वरी भगवती गंगे त्रिभुवन तारण तरण तरंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ या ये मेरा ये आज का जो वर्तमान समाज है ये नहीं कह रहा। ये उस समय जो है ब्रह्मा जी ने नारद को कह दिया कि उस स्थान पर जिस स्थान पर राजा भगत ने 5500 वर्ष तक तपस्या की उसी स्थान पर जगत गुरु शंकराचार्य ने थुलिंग मठ से वो मूर्ति लाई और बद्रीनाथ ने स्थापना की। जब बौद्धों का आक्रमण हो गया था, बौद्धों ने जो है जब वहाँ से जो है वो खंडित कर दी थी मूर्ति। तो कहने का मतलब है कि ये जो हमारा जो केदारखंड है, केदारखंड में वर्णन है केवल यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। देखिए, चारधाम यात्रा मार्ग के विकल्पों पर विचार होना चाहिए। निश्चित तौर पर जो है यात्रा सुगम हो, जो हमारे श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दिक्कतें न हो, स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें न हो, स्थानीय नौजवानों को रोजगार भी बढ़े, इस पर व्यापक विचार विमर्श हो। और इसके लिए सरकार को तानाशाही नहीं दिखानी चाहिए, इसके लिए सरकार को सभी रूटों पर जो है जो वहाँ के नौजवान हैं, जो वहाँ के व्यापारी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनसे भी व्यापक विचार विमर्श किया जाए और जो है जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं उनकी भी सुख सुविधा का ध्यान किस तरीके से रखा जाए। तो सर्वानुमति बना करके अगर सरकार चलेगी तो निश्चित तौर पर विरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा। और सरकार अगर मनमाने फैसले लेगी, मनमाने तरीके से अगर रूट तय करेगी, व्यापारियों के और स्थानीय रोजगार का ध्यान नहीं रखेगी तो निश्चित तौर पर फिर विरोध होगा। तो सरकार किस तरीके से जो है यात्रा को सुगम बनाती है ये उसके कार्य कुशलता पर और अनुभव पर निर्भर करेगा। विरोध इसलिए हो रहा है कि जो परंपरागत हमारे मार्ग हैं जो सदियों से चले जा रहे हैं, जिसके एक आप कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक महत्व है, उन मार्गों में परिवर्तन का लोग विरोध कर रहे हैं। और मेरा ये कहना है कि जिनको मान लीजिए रामनगर की तरफ से अगर यात्रा करनी हो तो करें, कोई रोक तो सकता नहीं है, कोई रोक तो नहीं सकता। लेकिन पूरी यात्रा को हम डाइवर्ट कर दें ये हो नहीं सकता, कुछ ये व्यवहारिक नहीं है और जो होने वाले भी नहीं है। तो अनावश्यक एक वातावरण बनाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, ये जरूर है, जैसे यमुनोत्री की बात आई, आप ही लोगों ने बात उठाई कि वहाँ पर इतना संकरा मार्ग है कि इतने ज़्यादा यात्री आ गए वहाँ से निकलना मुश्किल हो गया, दुर्घटना का खतरा उसमें होने लगा। तो वहाँ पर भी हमको कुछ वैकल्पिक मार्ग देखना पड़ेगा, हम लोगों को अन्य क्षेत्रों में भी कुछ वैकल्पिक मार्गों की तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन पूरी यात्रा ही डाइवर्ट हो जाएगी ऐसा संभव नहीं है और ऐसा होने वाला भी नहीं है, अनावश्यक रूप से इस बात को उठा रहे हैं। कुल मिलाकर धामी सरकार चारधाम यात्रा को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने की कोशिशों में लगी हुई है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने नए यात्रा मार्गों और यात्रा प्राधिकरण के गठन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। हालांकि सरकार के इस संबंध में निर्णय लेने से पहले ही इसका विरोध शुरू हो गया है।
सवाल ये है कि क्या जगह जगह हो रहे विरोध प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने फैसले को वापस लेंगे या नहीं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और इसी मुद्दे पर आज विस्तार से करेंगे बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपको रूबरू कराते हैं। हमारे साथ में कुंवर जपेंद्र सिंह जी आगे जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ में शीशपाल सिंह मिश्री हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। थपलियाल साहब हमारे साथ में है, पीसी थपलियाल साहब वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। और राजेश सिमवाल साहब हमारे साथ में हैं, पुरोहित हैं गंगोत्री धाम की ओर से। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत आज की हमारी चर्चा में। शुरुआत आज कांग्रेस पार्टी के साथ में कर लेते हैं। शीशपाल जी हमारे साथ में हैं। शीशपाल जी, तीर्थ पुरोहितों में बवाल हुआ है, नाराज नजर आ रहे हैं, क्या आखिर वजह है कि धामी सरकार के फैसले का विरोध तीर्थ पुरोहित कर रहे हैं? क्योंकि अब तक जो धामी सरकार या बीजेपी के प्रवक्ता बैठते हैं हमारे साथ में, वो कहते हैं कि भाई ये तो विरोधी हैं, ये तो विपक्षी हैं, तो ये हमारा विरोध करेंगे, बड़ा स्वाभाविक सा उनका जवाब हो जाता है। लेकिन तीर्थ पुरोहित किसी राजनीतिक दल के नहीं है, ये तीर्थ पुरोहित है और इनकी ओर से विरोध करना कहीं ना कहीं सवाल खड़े करेगा। देखिए गरिमा जी, तीर्थ पुरोहित कोई भी बवाल नहीं कर रहे हैं। वो जो है, जो धर्म सम्मत बात है, जो वेद सम्मत बात है, शास्त्र सम्मत बात है, वही कर रहे हैं। और सरकार हमेशा जो है तानाशाही से, हठधर्मिता से जो है अपने फैसले थोपने का काम कर दिए। अगर वो तीर्थ पुरोहितों से सबसे पहले अगर सलाह कर लेती, उनसे अगर मार्गदर्शन ले लेती, तो सरकार का क्या इसमें बिगड़ जाता। और सबसे बड़ी बात है कि चारधाम यात्रा की जो सबसे ज्यादा राह देखता है उत्तराखंड का बेरोजगार नौजवान देखता है, क्योंकि रोजगार के अवसर इस समय जो है पैदा होते हैं। कम से कम आप जो है यहाँ के स्थानीय नौजवानों से, यहाँ के स्थानीय व्यापारियों से भी अगर सलाह मशवरा करते, सबसे पहले तो सर्वदलीय आप अगर बैठक बुलाते, तीर्थ पुरोहितों को उसमें आमंत्रित करते, तो इससे तो बेहतर कोई मार्ग ही नहीं हो सकता था, रास्ता ही नहीं हो सकता था। लेकिन भाजपा सरकार जब जो है देवस्थानम बोर्ड लाई थी, तब भी जो है उन्होंने कोई सर्वानुमति नहीं बनाई थी, सीधा जो है अपना फैसला थोप दिया था। और आदरणीय तीर्थ पुरोहितों ने तब भी इसका जम करके विरोध किया था। विरोध इसलिए किया था कि जब सरकार शास्त्र सम्मत धर्म सम्मत निर्णय नहीं लेगी तो निश्चित तौर पर विरोध का सामना करना पड़ेगा। और सरकार इस बार भी यही गलती कर रही है। मुख्यमंत्री जी जो है मनमानी घोषणाएं करते जा रहे हैं, लेकिन भाई आपने जो धर्माचार्य है, जो धर्म के रक्षक है, जो लगातार शंकराचार्य जी के अनुयायी हैं, जो उनके उत्तराधिकारी हैं, अब अगर आप उनको विश्वास में नहीं लेंगे तो फिर जो है आप कैसे जो है इन चीजों में सफल होंगे। सरकार होमवर्क नहीं करती है, सबसे बड़ी समस्या इस सरकार की। इस सरकार के पास अनुभव की जो कमी है, अनुभवहीनता इस सरकार के जो है आड़े आती है। और सचिवालय में बैठे अधिकारी जो एसी कमरों से बाहर नहीं निकलते, वो इस सरकार के पथ प्रदर्शक हैं। अगर धर्माचार्यों को अपना प्रदर्शक ये सरकार बनाती, अगर सर्वानुमति से आगे बढ़ती, तो सरकार को मुझे लगता है कि जो है चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में आसानी होती। यही दिक्कत है गरिमा जी, कि हम बार बार सरकार को चेताने और जगाने का काम करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कहा जाता है, भाजपा के प्रवक्ता कहते हैं कि साहब विपक्ष का काम तो विरोध करना है, वो विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है विरोध की सार्थकता को समझे, अगर जो है आप सर्वानुमति का रास्ता अपनाएं, तो जाकर के तब समस्याओं का समाधान होगा। सरकार की यही समस्या है कि प्रचंड बहुमत के अहंकार में है, इनके सिर चढ़ के बोल रहा है। इसीलिए किसी को विश्वास में नहीं लेना चाहते। अहंकार कह लें, जो भी कह लें, वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। क्या करें, क्या करें गरिमा जी, जनता तोड़ेगी। लोकसभा चुनाव में जो है इनको सबक सिखाने का काम किया, उत्तराखंड में भी 2019 के प्रदर्शन में गिरावट आई, तब भी जो है सबक नहीं ले रहे। ये अलार्मिंग सिचुएशन है इनके लिए। आप जो है अगर धर्माचार्यों की देवभूमि है, हम यहाँ धर्माचार्यों की अनदेखी नहीं कर सकते। शास्त्रों की अगर हम जो है अपने वेद पुराणों की अनदेखी करेंगे, धार्मिक मान्यताओं के साथ अगर खिलवाड़ करेंगे, तो गरिमा जी निश्चित तौर पर ये बहुत गलत है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। कुंवर जपेंद्र सिंह जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका। अब देरी से आए, मैं आपके साथ में शुरुआत करना चाहती थी, लेकिन देखिए पौराणिक सभ्यताओं का अब सवाल जो है वो उठ रहा है और ये सवाल आपसे जनता पूछ रही है। हम तीर्थ पुरोहित भी कह सकते हैं या प्रदेश की जनता कह ले, क्योंकि ये विरोधियों की ओर से सवाल बाद में उठाया गया, पहले तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी है, व्यापारियों की नाराजगी है। इस पर आप क्या कुछ कहेंगे सर? नहीं, नाराजगी क्यों है, क्या क्या कारण है नाराजगी का, जरा थोड़ा सा आप इसे क्लियर करेंगे?
सर नाराजगी, सबसे पहले तो आप जब विरोधी सवाल उठाते हैं जो भी चारधाम में जो भी चीजें होती हैं उन सब को लेकर, तो आप कहते हैं कि ये हमारे विरोधी है, ये हमारे विपक्षी दल के लोग हैं और बड़ा स्वाभाविक सी बात है कि ये तो विरोध करेंगे करेंगे, लेकिन तीर्थ पुरोहित ही अगर व्यवस्थाओं को लेकर चीजों को लेकर सवाल उठाने लग जाएं, जो आपके फैसले उन पर सवाल उठाने, यहाँ हमारे साथ में जुड़े भी हैं राजेश सेमवाल जी हमारे साथ में हैं, उनको जोड़ लें उसके बाद आपसे सवाल करें। बिल्कुल राजेश जी बीजेपी के लोग कह रहे हैं, प्रवक्ता हमारे साथ में बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई तीर्थ पुरोहितों को क्या समस्या है, किस बात पर आखिर धामी सरकार के फैसलों का विरोध किया जा रहा है, क्यों आखिर चारधाम की यात्रा पर 100 सवाल उठाए जा रहे हैं। तीर्थ पुरोहितों को कोई समस्या नहीं है, लेकिन जो सरकार करने जा रही है उसको लेकर के समस्या है। समस्या यह है कि पूर्व में यात्रा जो है हरिद्वार ऋषिकेश से होकर के प्रथम यमुनोत्री में जो हमारी यात्रा है दाईं तरफ से शुरू होकर के बाईं ओर समाप्त होती है, और प्रथम यमुनोत्री धाम के दर्शन करके फिर उसके बाद जो है गंगो स्थान केदारनाथ में गंगा जल चढ़ाते हैं, और उसके बाद जाकर के बद्रीनाथ जी में जो है दर्शन करते हैं और फिर यात्रा पूर्ण होती है। लेकिन अब जो अभी जो है मीडिया के माध्यम से और विभिन्न माध्यम से सुनने में आ रहा है कि सरकार जो है हरिद्वार की जगह जो है रामनगर से यात्रा को शुरू करना चाहती है और बद्रीनाथ की तरफ से यात्रा, तो ये उल्टा, जब ये उल्टा सिस्टम होगा इसका विरोध हो रहा है। आप मानस खंड में आप जागेश्वर धाम का को प्रचार कीजिए, अन्य वहां कैंची धाम में प्रचार प्रसार कीजिए, वहां यात्री आए उनको सुविधाएं दिए, हमें उस बात से लेकर के कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि सब सरकार जो है जागेश्वर धाम का लोगों को महत्व समझाए, वहां के बारे में समझाए, लोग वहां जाएंगे, लोग दर्शन करेंगे, लेकिन उसको जो है यहां से डाइवर्ट करके उसको जो है, लेकिन सर एक सवाल ये भी रहा कि इसको बीच यात्रा में क्या ये मार्ग का जो सुनिश्चितीकरण है वो यात्रा की शुरुआत से पहले नहीं हो सकता था, जब यात्रा चल रही है उस दौरान ये बदलाव हो रहा है तो क्या इससे यात्रियों पर फर्क नहीं पड़ेगा? यात्रियों उल्टा है, रामनगर उल्टा पड़ जाता है, आप सब देखें रामनगर से उल्टा पड़ जाता है, उधर से केदारनाथ बद्रीनाथ नजदीक पड़ सकते हैं, लेकिन गंगोत्री यमुनोत्री उल्टा पड़ जाता है। ये जो केदार खंड की जो यात्रा है यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री, ये अपनी जगह पर है, मानस खंड में जो है वो अलग हिसाब, तो सरकार वहां की व्यवस्था करे वहां का प्रचार पर, हमें उसे कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी जो व्यवस्था जैसी चली आ रही है कि यात्री केदारनाथ आए ऋषिकेश आए यमुनोत्री जाए गंगोत्री आए केदारनाथ जाए बद्रीनाथ जाए, इसको लेकर के हमारा इतराज है कि आप इसको डाइवर्ट ना करें बस। ठीक है जपेंद्र जी, समस्या आपको समझ में आ गई होगी और ये कोई विरोधी दल आपके नहीं उठा रहे या आपके तीर्थ पुरोहित या जो व्यापारी हैं, क्योंकि चारधाम यात्रा से ही इनका जो जीवन यापन है ना वो जुड़ा होता है व्यापारियों का, तो ये लोग तो सवाल उठाएंगे ना, जब यात्री उस मार्ग पर कम जाएंगे तो उनका व्यापार कैसे चलेगा? यहाँ थोड़ा सा राजेश जी को कन्फ्यूजन है, सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि बढ़ती हुए ट्रैफिक को देखते हुए हमें अपने वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। तो क्या आज जो इतना जाम लग रहा है उस जाम में हमारे तीर्थ यात्री इतने परेशान हो जाते हैं, घंटों घंटों का जाम लग रहा है, आज से 10 साल पहले 15 साल पहले उत्तराखंड बनने से पहले यात्रा जो थी वो बहुत एक लिमिटेड उसमें संख्या में वाहन आते थे, लेकिन आज वो कम से कम नहीं तो 100 गुना बढ़ चुके हैं पिछले 24 वर्षों में, और आने वाले 10 वर्षों में ये और 100 गुना बढ़ने की इनकी संभावना, और जो यात्री आ रहे हैं यात्रियों की सुविधा के लिए हमें वैकल्पिक मार्गों की व्यवस्था बनानी पड़ रही है। अब हरियाणा पंजाब दिल्ली का जो इधर से लोग आते हैं वो मसूरी होके ऋषिकेश होके चले जाते हैं, अब जो उत्तर प्रदेश से उधर से लोग आ रहे हैं अगर वो भी सारे यहाँ आएंगे तो यात्रा उसमें ट्रैफिक का दबाव पड़ रहा है, ट्रैफिक का दबाव बढ़ने से एक व्यक्ति ने जो दिन में अपना एक घंटे में 50 किलोमीटर का सफर तय करना है, एक दिन में 200 किलोमीटर का सफर तय करना है, तो वो बेचारा एक दिन में 50 किलोमीटर का ही सफर तय कर पा रहा है, तो उससे स्थानीय नागरिकों को भी रास्ते में दिक्कतें आ रही हैं, बाजार की व्यवस्थाएं भी नहीं बन पा रही हैं, और कहीं ना कहीं फिर ये सरकार के ऊपर ये लगता है कि आरोप आता है कि सरकार व्यवस्थाएं नहीं बना रही है। तो इसी तरह ये हमारे थोड़ा सा टाइमिंग को लेकर भी यहाँ पर सवाल एक बहुत बड़ा है। आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि देखिए आपका जो इंटेंशन है वो ये है कि भाई ट्रैफिक के दबाव को लेकर बहुत सारी खबरें आ रही है, ट्रैफिक के चलते समस्याएं हो रही हैं, एक ही जो भार क्षमता है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये जो आपने कहा ना कि हर बार ये चारधाम यात्रा में जो दर्शनार्थी हैं इनकी संख्या बढ़ेगी तो ये कदम पहले उठाते और कन्फ्यूजन जो आज तीर्थयात्रियों के साथ साथ ये जो आपके पंडा पुरोहित हैं जो व्यापारी हैं इनको हो रहा है शायद ना होता।
देखिए ये इसके पीछे कोई लॉजिक भी तो दे ना, ये नाहक की एक परेशानी वाली बात खड़ी की जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, आज इतना ट्रैफिक है कि उस ट्रैफिक की वजह से घंटों जो जाम लग रहा है, अगर कुछ ट्रैफिक रामनगर की तरफ से डाइवर्ट होके आ जाएगा तो यहाँ तो सुचारू रूप से यात्रा चली रही है, और जो लोग यहाँ जाम में फंसेंगे और आप लोगों की जो चिंता है वो चिंता नाहक है, आप लोगों को सरकार का सहयोग करना चाहिए। आप क्या क्या रामनगर हो गया, कोटद्वार हो गया, क्या वो उत्तराखंड का हिस्सा नहीं है? आप उत्तराखंड ही नहीं बसते हैं क्या? उन लोगों का जपेन जी, यहाँ पर उत्तराखंड का हिस्सा होने ना होने की बात नहीं है, वो एक वैकल्पिक मार्ग जो नए मार्ग हो जाएंगे कह रहे हैं, उल्टा ज्यादा पड़ने वाला, इस सब को लेकर सवाल उठ रहा है। यहाँ पर आप उसको कहीं और लेकर जाने की कोशिश मत कीजिए, उत्तराखंड वो भी है और ये भी है, फैसले पर बात हो रही है कि उससे कितना उनको नुकसान होगा। पश्चिम से घूम के आओ, ठीक है, अगर हम भगवान के दर्शनों को कर रहे हैं, हम पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण किसी भी दिशा से जाएं तो वो कहीं पे भी उसमें बाधा नहीं है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास। ठीक है जपेन जी, जपेन जी आते हैं। राजेश जी कुछ कह रहे हैं, जल्दी से कह लीजिए, उसके बाद कुलदीप जी के पास जाएंगे। जल कहां से चढ़ाएगा, बदनाथ जी से चढ़ाएगा केदारनाथ में? आप कह रहे हैं उल्टा सुलटा कैसे भी कर लो, अरे गंगोत्री से ले जाकर के तो केदारनाथ में जल चढ़ाएगा? देखिए एक जगह पर पहुंचने के कई सारे रूट्स हो सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फैसले का विरोध किन चीजों को लेकर हो रहा है वो बहुत अहम हो जाता है। ठीक है, अब आपके पास लौटेंगे, और मेहमान है उनको जोड़ते चलते हैं। सिंहवाल जी ठीक है, आपके पास आएंगे। अब वरिष्ठ पत्रकार है हमारे पास में कुलदीप राणा जी, उनके पास चलते हैं। बहुत स्वागत सर आपका भी के न्यूज इंडिया पर। कुलदीप जी, एक तरफ चारधाम की यात्रा जब शुरू हुई उसके बाद से ही अव्यवस्थाओं को लेकर कई सारे सवाल वर्तमान की सरकार पर उठ रहे हैं, उसमें भारी भीड़ भी है, पतली सड़कें भी हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो बहुत ज्यादा कोई हाईवेज तो नहीं बनाए जा सकते। अब बड़ी बात यह कि वैकल्पिक मार्ग जब सरकार तैयार कर रही है तब विरोध भी देखने को मिल रहा है खुद तीर्थ पुरोहितों का। आप इस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, धामी सरकार का यह फैसला क्या व्यापारियों और तीर्थ पुरोहितों के लिए कोई नुकसान पहुंचा रहा है, या वाकई में इस वैकल्पिक मार्ग के आ जाने से तीर्थयात्रियों को, वहां के लोगों को फायदा मिलेगा, व्यापार उस रूट पर भी तो हो सकता है जहां पर जो नया मार्ग बनेगा? कुलदीप जी आवाज आपकी, ठीक है बोलिए बोलिए सर। कुलदीप जी आपको हमारी आवाज मिल रही है क्या? देखिए कुलदीप जी की आवाज के साथ में कुछ टेक्निकल इशू है, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लौटते हैं कुलदीप जी के पास में, तब तक उनकी आवाज को ठीक किया जाए। कुलदीप जी आएंगे आपके पास, अगर आप सुन पा रहे हैं हमारे, आपकी आवाज को हम ठीक कराते हैं। जपेन जी प्लीज, और मेहमान भी हैं, हम आपके पास आएंगे और सबकी समस्याओं को सुन लीजिए, उसके बाद जवाब आपको ही देना है। थपलाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। थपलाल साहब क्या है दिक्कत आखिर, पंडा पुरोहित अगर सवाल उठा रहे हैं तो इसके पीछे क्या वजह है आखिर? क्योंकि देखिए किसी भी रूट से जाए आप, और सबसे बड़ी बात देखिए रूट्स तो नए तैयार करने पड़ेंगे, जितने ज्यादा होंगे क्या उतनी आसानी नहीं होगी, आप एक तीर्थयात्री के लिहाज से सोचिए, और उस रूट पर भी तो व्यापार होगा जो नया रूट तैयार होगा, कौन कह रहा है कि वहां पर व्यापारी नहीं जाएंगे? तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये जो धर्म के ठेकेदार हैं इनको हकीकत में धर्म की एवीसीडी की मालूम, एक्चुअल में इन्होंने पहले भी आपने देखा होगा कि बड़े जोर शोर से इन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा नाथुला से शुरू की थी सिक्किम से, और तब ऐसी बेइज्जती हुई, आज कहाँ है वो नाथुला, आज फिर उसी रास्ते जाना पड़ा उनको जो हमारे धर्म ग्रंथों में, नाथुला सिक्किम में है और आदमी यहां से सिक्किम जाएगा तब हमारे सिर पे आता कैलाश मानसरोवर, ये बुद्धि है इनकी। अब प्रधानमंत्री छाती फोड़ फोड़ के कह रहा था जो 70 साल में नहीं किया मैंने कर, ये लोग यही करने जा रहे हैं कि जो 70 साल में नहीं हुआ इन को क्या बताओ मैडम, मेरे को क्या गाली आ रही है। थपला साहब मार्ग पर बात करते हैं, मार्ग पर बात करते हैं, विरोध ठीक है लेकिन अभी फिलहाल मार्ग पर आते हैं। मार्ग ये है कि हम सिंगताली में हमने क्यों जाम किया था जब इनका अध्यक्ष भट्ट वहां पे आया था, गंगा के उस पार जो परंपरागत रास्ता बना हुआ है सदियों से, वो इन अंधों को क्यों नहीं दिखाई दे रहा, आप ये बताइए। नहीं तो नए रास्तों से कोई परंपरा तोड़ी थोड़ी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि पुराने मार्गों को बंद कर रहे हैं, पुरानी मार्ग शुरू ही नहीं कर रहे। सिंगताली पुल ये मुख्यमंत्री, हाँ ये मुख्यमंत्री माफियों के इशारों पे काम करता है, इसमें पूरी
ये वहां पे सिंगताली में पुल क्यों नहीं बन रहा है? सावरा माफिया बैठा हुआ वहां जमीन लेकर, ये वहां पे पुल बनता यात्रा पल्ले छाल चली जाती। पल्ले छाल जो सड़क बनी हुई है, जो चलने वाली सड़क है, उसको सीधा चालू करना है। इन ये कितना भी कर दें, इस यात्रा को कभी भी रामनगर के रास्ते नहीं ले जा सकते। ये मैं कह रहा हूं, ये इस समय ऐसी बातें कर रहे हैं जो मतलब हमारे धर्म के अनुरूप है ही नहीं। और देखिए ये पंच प्रयागों को छोड़ते हुए यात्रा करेंगे? हमारा देव प्रयाग सबसे पहले आता है, उसको छोड़कर यात्रा करवाना चाहते हैं ये लोग? ये कभी नहीं करवा सकते। मैं आज कह रहा हूं कि ये किसी भी हालत में इस यात्रा को शुरू नहीं कर पाते। इस मुख्यमंत्री की नियत में खोट है। ये केदार खंड को खत्म करने का षड्यंत्र रच रहा है कब से इसको। ये केवल मानस कण करके हमको बर्बाद करने पे तुला हुआ है। ठीक है, अच्छा, ठीक है। तो चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए एक तरफ सरकार की ओर से नए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विरोध भी इस सबको लेकर लगातार जारी है। तीर्थ पुरोहितों में पुरानी सभ्यताओं को लेकर अब बवाल मच गया है। हमारे साथ में खास मेहमान लगातार बने हुए हैं, उनके पास चलते हैं। हमारे साथ में जपेंद्र जी हैं, जपेंद्र जी का ही रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी, आपने सुना, देखिए समस्याएं बहुत सारी हैं, और थपलियाल साहब तो कह रहे हैं कि पुराने मार्गों को ये दरकिनार कर रहे हैं, ये उन्हें खोल ही नहीं रहे, इसका सच क्या है? लयाल जी की तो एलर्जी की कोई दवा किसी भी वैद्य के पास नहीं, जवाब नहीं है। तबला साहब अब बीच में नहीं, प्रदेश के मुख्यमंत्री से इतनी नेगेटिविटी फैला देते हैं। हमारे बड़े भाई हैं, लेकिन बहुत बहुत नेगेटिविटी फैला देते हैं। अब दूसरी बात, हम मुद्दे पे आते हैं, प्लीज आप पूरा बन मानिएगा तबलाल जी, लेकिन आप कर देते हैं ऐसा, क्या किया जाए? देखिए, वैकल्पिक मार्गों की आज उत्तराखंड में आवश्यकता है। और जो लोग तीर्थ यात्रा की मंशा से आते हैं, जो तीर्थ यात्री बन के आ रहे हैं, पूजा पाठ से आ रहे हैं, उनके लिए हरिद्वार से ही यात्रा शुरू होनी है, परंपरागत पैटर्न पे ही शुरू होनी है, वो उसी तरह से जाएंगे। लेकिन जो इस यात्रा सीजन में जो तीर्थ यात्री कम टूरिस्ट आते हैं, उन टूरिस्ट की वजह से यात्रा मार्गों पे अत्यधिक भीड़ बढ़ती है, तो एक वैकल्पिक मार्ग वहां काम आएंगे कि जो टूरिज्म के दृष्टिगत आ रहे हैं कि चलो भाई घूमने फिरने आ रहे हैं, रास्ते में धाम आएगा तो धाम के भी दर्शन कर लेंगे और उसके बाद घूम फिर के भी आ जाएंगे, तो वैकल्पिक मार्गों की आप इंपॉर्टेंस को समझें। जो तीर्थ यात्री आ रहा है, यहाँ हमारे राजेश जी भी सुन रहे हैं, राजेश जी को भी ध्यान देना चाहिए हमारी बातों में। जो तीर्थ यात्री आ रहा है और तीर्थ की भावना से आ रहा है, पूजा पाठ की भावना से आ रहा है, दर्शनों की भावना से आ रहा है, वो अपने परंपरागत मार्ग से जाएगा, हरिद्वार से जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सुनिश्चित कैसे होगा? आपका लॉजिक यहाँ पर ठीक नहीं बैठ रहा है। आपने जो कहा कि नए मार्गों को बनना जरूरी है, वो ठीक है, उस बात पर मैं भी सहमत हो जाती हूँ कि हाँ नए मार्ग होंगे तो आसानी होगी, यात्रा आसान हो जाएगी, ट्रैफिक बहुत है, रश बहुत है। लेकिन ये जो आपने कहा ना कि कोई तीर्थयात्री है, कोई एक टूरिज्म के लिहाज से पहुंचा हुआ है, घूमने फिरने पहुंचा, ये सुनिश्चित करने वाला कौन बैठेगा सर? क्यों, आप आए दिन हम रील्स देखते हैं, आए दिन वीडियो देखते हैं, ये धामों से हमारे राजेश जी के वहां से इन्हीं के संगी साथी उन रीलों का विरोध करते हैं कि ये टूरिज्म की भावना से जो यंगस्टर आ रहे हैं घूमने फिरने आ रहे हैं, टूरिस्ट नहीं, तो क्या टूरिस्ट धामों में नहीं पहुंच सकते? ये तो नहीं होगा ना, ऐसी कोई बाउंडेशंस या कोई रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं लगाई जा रही कि टूरिस्ट धामों में नहीं जाएंगे? भाई वो धाम भी जा सकते हैं, ठीक है, खैर वो एक आप अलग एंगल निकाल रहे हैं, उसमें उस पर चर्चा नहीं करते, आपके पास लौटेंगे। अभी कुलदीप जी की आवाज मिल रही है हमको, उनका रुख कर लेते हैं। कुलदीप जी, स्वागत आपका। कुलदीप जी, वैकल्पिक मार्गों की बात बेहतर है, क्योंकि अगर ये मार्ग प्लीज जपेंद्र जी प्लीज अभी थोड़ा देर रुक जाइए, अब कुलदीप जी को सुन लीजिए। वैकल्पिक मार्गों की बात बेहतर है, इससे चारधाम यात्रा में आसानी होगी, लेकिन ये जो एक नया एंगल विरोधियों की ओर से हम कह लें, या फिर जो जिसको लेकर विरोध हो रहा है, उसमें आपको क्या ठीक लग रहा है? क्योंकि एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम तो बेहतर करने के लिए कदम उठा रहे हैं, लेकिन तीर्थ पुरोहितों को इसमें गुरेज जो है वो दिखाई दे रहा है। क्या वजह है, असल में नुकसान किसका होगा वैकल्पिक मार्गों से, नुकसान होगा भी या नहीं होगा? देखिए गरिमा, दो बातें हैं। पहली बात यह है कि तो इस राज्य की ये विडंबना रही है कि राज्य निर्माण के बाद से यहाँ जितनी भी सरकारें रही, चाहे वो भाजपा की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही,
सरकारों ने कोई अगर नई शुरुआत करने की या नई पहल करने की कोशिश की है तो यहाँ विरोध जरूर हुआ है, और उस विरोध में कितना सकारात्मक पक्ष था कितना नकारात्मक पक्ष था ये कभी निकल करके नहीं आया, पर विरोध हुआ। दूसरा पक्ष सरकारों का ये रहा है कि सरकारें किसी की भी रही हैं, सरकारों ने जनता के साथ समन्वय नहीं किया और एक कम्युनिकेशन का बड़ा अभाव देखने को मिला। इससे पहले भी जब पिछली सरकार ने उत्तराखंड में चारधाम को लेकर के देवस्थानम बोर्ड की बात चल रही थी तब भी ये विरोध निकल करके आया, और उसका एक बड़ा कारण यही था कि भाई सरकार ने तीर्थ पुरोहित के साथ बैठ करके संवाद नहीं किया, उनके साथ बैठ करके बातचीत नहीं की और चीजें उलझती चली गई। परिणाम ये हुआ कि देवस्थानम बोर्ड को दरकिनार करना पड़ा, सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा। आज यात्रा बढ़ रही है, सड़कें चौड़ी हुई हैं, यात्रा का लोड बढ़ा है, कल के दिन ट्रेन आएगी, यात्रा का और लोड बढ़ेगा। ऐसे में ये अच्छी बात है, जैसा आपने भी कहा, ये स्वागत योग्य है कि सरकार को वैकल्पिक मार्ग तलाशने चाहिए, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं होना चाहिए कि जो परंपरागत मार्ग है, जो पौराणिक मार्ग है, जो आस्था से जुड़े हुए विषय हैं, उन मार्गों को दरकिनार करके सरकार अपनी बात बीच में ले आए। जैसा अभी सेमवाल जी ने बताया कि यात्रा की शुरुआत माँ यमुनोत्री से शुरू होती है, यमुनोत्री से गंगोत्री से, वहां से तीर्थयात्री जल लेकर के फिर केदारनाथ जाता है, भगवान शिव को जल अर्पित करता है, गंगा जल अर्पित करता है, और फिर वो बद्रीनाथ पहुंचता है। अब ये पूरा जो यात्रा मार्ग है वो अगर हम ऋषिकेश या हरिद्वार से देखें तो सबसे पहले ऋषिकेश से ही आप उत्तरकाशी के लिए कट जाते हैं, एक मार्ग उत्तरकाशी के लिए चला जाता है, वहां से वापस लौटते हैं, फिर आप रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं, श्रीनगर होते रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं, फिर केदारनाथ में आप पूजा पाठ करते हैं, फिर वहां से वापस उतर करके फिर आप बद्रीनाथ के लिए जाते हैं चमोली जिले में। अब समस्या ट्रैफिक की तब होती है जब उसी यात्रा मार्ग पर जाने और आने वाले वाहनों की संख्या ज्यादा होती है। अगर इसको ये करने के बजाय कि हम दूसरी जगह से यात्रा का मार्ग शुरू करें, हम ये भी तो कर सकते हैं कि दूसरी जगह से यात्रा से बाहर जाने का मार्ग शुरू करें। भाई अगर आपको चारधाम यात्रा पर आना है, आप हरिद्वार ऋषिकेश से आएं, गंगोत्री यमुनोत्री में जाएं, केदारनाथ में जाएं, उसके बाद बद्रीनाथ में अंतिम दर्शन करने के बाद वापस चमोली कर्णप्रयाग होते हुए ग्वालदम से या फिर गैरसैंण से जो कुमाऊं मंडल का रास्ता शुरू होता है वहां से होते हुए आप वन वे ट्रैफिक अगर हम कर सकते तो यात्रा भी सुगम होगी, सड़कों पे लोड भी कम होगा। लेकिन समस्या क्या है कि सरकार बात नहीं करती है। सरकार ने जो बिल्कुल ठीक कहा गया, कहा कि जो एसी कमरों में बैठे हुए लोग हैं वो अपने हिसाब से चीजों को तय करते हैं कि यहाँ से ऐसे कर लेंगे, डिजिटल मैप लगा होता है, डिजिटल स्टिक से देख करके इसको ऐसे मोड़ देंगे, इसको ऐसे मोड़ देंगे, ग्राउंड पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। हजारों सालों से उत्तराखंड की चारधाम यात्रा न सिर्फ गढ़वाल के लिए बल्कि उत्तराखंड परिक्षेत्र के लिए, इस पूरे पहाड़ी परिक्षेत्र के लिए अर्थव्यवस्था का भी एक अध्यात्म के साथ साथ एक बड़ा स्रोत बना हुआ है। ऑल वेदर रोड बनने के बाद जितना क्राउड आया है, जितने तीर्थ यात्री आए हैं, उसने भी इस चीजों को बढ़ाया है। अच्छा, अब इसमें भी दो बातें हैं और ये समझने वाली बात है कि एक तरफ तो हिंदुओं की आस्था के चारधाम या चारधाम है जो उत्तराखंड में है, वहीं सिख पंथ से जुड़ा हुआ हेमकुंड धाम भी उत्तराखंड में ही है और वो चमोली में बद्रीनाथ धाम से कुछ किलोमीटर पहले है। ठीक, ऐसे में जब चारधाम यात्रा शुरू होती है तो उसके ठीक एक महीने के बाद हेमकुंड यात्रा भी शुरू हो जाती है, और जो बद्रीनाथ से ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते हुए जो रूट है, जो रास्ता है, उसमें चारधाम यात्रा के साथ साथ हिंदू यात्रियों के साथ साथ सिख पंथ से जुड़े हुए यात्रियों को भी, धार्मिक यात्रियों का भी एक बड़ा क्राउड इकट्ठा हो जाता है जो उस रास्ते से गुजरता है। सिख यात्री बहुत कम होंगे जो चारधाम यात्रा में जाते हैं, और चारधाम यात्रा से जुड़े हुए बहुत कम लोग होंगे जो हेमकुंड साहिब की तरफ जाते हैं। ठीक है, लेकिन मार्ग दोनों का एक ही है, तो ऐसे में इस व्यवस्था को देखना होगा कि, और सरकार को इस पर बात करनी होगी, बीच यात्रा में ये शुरू नहीं किया जा सकता, इसके लिए पहले से प्लान किया जाना चाहिए था।
और बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वही चीज है ना कि पहले से काम किया जाना चाहिए था और अभी भी क्लेरिफिकेशन जो है वो सरकार को नहीं है। और सबसे बड़ी बात जपेंद्र जी, अभी देखिए कुलदीप जी ने बहुत अहम बातें उठाई कि बहुत सारी चीजें जिन पर आप काम कर सकते थे। एक तो आपकी बात स्पष्ट नहीं होती, आपने अपने जवाब की शुरुआत में कह दिया कि सेमवाल साहब को, राजेश सेमवाल जो कि पुरोहित हैं, उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन क्यों है सर? क्योंकि आपने स्थिति को क्लियर नहीं किया, यही वजह है कि वो विरोध करने पर मजबूर हो रहे हैं। आपकी बात ठीक भी होगी तभी अगर कंफ्यूजन है तो विरोध तो बहुत स्वाभाविक है। तो फिर ये बीच में मतलब जब समस्याएं उठी तब समाधान ढूंढा गया। आपने भी कहा कि चारधाम यात्रा पहली बार नहीं हो रही, हर बार होगी और हर बार जो तीर्थयात्री हैं इनकी संख्या बढ़ती ही जाएगी, तो उस पर डिटेल्ड काम होना चाहिए ना। ऐसे कभी भी थोड़ी होता है कि बस उठ गया। जपेन जी आएंगे आपके पास, आपके पास लौटेंगे। इसी बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दार्जिलिंग में हुए हादसे को लेकर क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। ये पॉलिटिक्स का समय नहीं है, अभी सारा फोकस होना चाहिए रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पे, पैसेंजर सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा फोकस है, कंप्लीट फोकस है, जैसा आपने आप स्वयं जानते भी हैं। मैं इसके बारे में बाद में डिटेल में चर्चा करूंगा, अभी मैं जरा पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन ऑपरेशन का पूरा जायजा ले लूं और उसके बाद में पेशेंट से मिलने जाऊंगा। कमिश्नर रेल सेफ्टी की रिपोर्ट आ जाए उसके बाद में ही कुछ पता चल पाएगा, उससे पहले कुछ भी कहना गलत होगा। आप सुन रहे थे, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में आज सुबह रेल हादसा हो गया जिसमें कई लोगों की जान चली गई। बहुत ही दुखद दुर्घटना हुई है और मैं सबसे पहले इन परिवारों को, परिवारजनों को तो रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से रेल हादसे को लेकर अहम बातें कही गई। उनका कहना है कि सबसे पहले रेस्क्यू और रेस्टोरेशन पर लगातार लोग काम कर रहे हैं। चर्चा में वापस लौटते हैं, जपेंद्र जी कुछ कह रहे थे। जपेंद्र जी अपनी बात को पूरा कीजिए। देखिए अभी वैकल्पिक मार्गों के ऊपर काम शुरू हुआ है और अगर कोई एक बयान आया उस बयान को लेकर हम भ्रमित हों तो इसमें सरकार का दोष नहीं है। सरकार तो अपने हर एजेंडे को क्लियर करके, योजना को क्लियर करके और आपके सुझावों के साथ उस चीज को आगे बढ़ाने का प्रयास निश्चित तौर से करती है। अभी कोई वहां से यात्रा चेंज नहीं की जा रही, यात्रा जैसे अपने जिस रूट पे चल रही है वहीं जा रही है, लेकिन सरकार ने सिर्फ इतना कहा है कि हमें भविष्य के लिए वैकल्पिक मार्गों की तरफ ध्यान देना होगा, वैकल्पिक मार्ग तैयार करने होंगे और उन वैकल्पिक मार्गों के बिना उत्तराखंड में बढ़ते हुए यात्रा सीजन के ट्रैफिक को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अभी जैसे कुलदीप जी ने कहा तो ये बहुत अच्छे सुझाव हैं, तो सुझावों का तो हमेशा सरकार ने स्वागत किया है। पहले वैकल्पिक मार्ग तैयार हो जाएं, सारी व्यवस्थाएं बन जाएं, फिर वन वे होना है, टू वे होना है, कहां से डाइवर्ट होना है, तो इसमें सरकार अपनी मनमानी थोड़ी ना करेगी। ये जैसे सबके सुझाव होंगे और जैसे सबकी इच्छा होगी उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जनता की सुविधा के लिए ये काम किया जा रहा है तो जनता की सुविधा भी देखी जाएगी, जनप्रतिनिधियों को भी सुना जाएगा, तीर्थ पुरोहितों को भी सुना जाएगा, समाज सेवकों को भी सुना जाएगा, तो निश्चित तौर पर के साथ मिलकर कदम आगे बढ़ाए जाएंगे। तो इसमें अभी इतना हो लेकिन हमें नहीं लगता आवश्यकता है, तो ये कंफ्यूजन जो है ये कंफ्यूजन दूर हो जाना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कन्फ्यूजन की स्थिति करनी ही नहीं चाहिए। आप कह रहे हैं कि कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा वो एक बड़ी बात है, लेकिन कन्फ्यूजन हुआ क्यों ये भी आपको सोचना चाहिए कि चारधाम की यात्रा के बीच में अगर आप कोई नया नियम बनाने की बात करेंगे तो हर व्यक्ति उसको लेकर थोड़ा सा कहते हैं ना ओवर रिएक्ट करना लाजमी है। ठीक है, अब लौटेंगे, अब राजेश जी को सुनते हैं। जपेन जी अब राजेश जी को सुन लेते हैं। राजेश जी अभी कुलदीप जी ने कहा कि सरकार कोई भी नया नियम लेकर आती है, कुछ भी नया करने की बात कहती है तो विरोध तो होता ही होता है। क्या ये विरोध सिर्फ उस विरोध के लिए हो रहा है या वाकई में आपको समझ में आया कि आखिर ये क्या, कौन से नए रूट बनाएंगे, उससे क्या आप लोगों को फर्क पड़ेगा, क्या नुकसान कोई होगा? क्योंकि नए रूट स्वाभाविक सी बात है, नए रूट होंगे, नए मार्ग बनेंगे तो आसानी होगी, वहां पर भी लोग जाएंगे, नए लोगों का व्यापार भी बनेगा, तो दिक्कत किस बात की है, किस बात का विरोध है? और ये अगर जो आपने पहले कहा अपने जवाब में कि तीर्थयात्री के लिए उल्टा पड़ेगा, तो सर ये तो तीर्थयात्रियों को सवाल उठाना चाहिए ना, इस पर पंडा पुरोहित सवाल क्यों कर रहे हैं? पंडा पुरोहित इसलिए सवाल कर रहे हैं, सुनिए आप,
कि वो जो आपने इनका पढ़ा उसमें केवल केदार बद्री है, गंगोत्री यमुनोत्री नहीं है। आप अभी भी उस कैलेंडर को देखिए, जपेंद्र जी ने शायद वो पढ़ा नहीं होगा, और अखबार में इतनी बड़ी न्यूज लगी है, उस न्यूज में साफ लिखा है कि यात्री बद्रीनाथ केदारनाथ की यात्रा करेंगे। अगर उनको लगेगा कितना उल्टा पड़ जाएगा गंगोत्री यमुनोत्री आने के लिए, हम तो हमने कभी भी ऐसा विरोध नहीं किया, और आज भी बोल रहे हैं डंके के साथ बोल रहे हैं हमारा रामनगर में आप बनाइए, आप वहां से यात्रियों को लाइए, लेकिन जो चार धाम का यात्री है उसको वहां ना ले जा करके उसको जो है हरिद्वार ऋषिकेश से ही आने दिया जाए। जो चार धाम है, आप ये नहीं कि हरिद्वार के बजाय जो है तो उसको जो है रामनगर डाइवर्ट किया, हमारे इस बात को लेकर विरोध है। हम वैकल्पिक मार्ग का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। आपने हमारे कुछ स्टेटमेंट सुने होंगे अभी इसी चैनल पर, हमारे पुरोहितों ने कहीं नहीं कहा कि आप रोड मत बनाइए, आप रामनगर में विकास मत कीजिए, हमें कहीं नहीं कर, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यात्रा जिस प्रकार से पूर्व से चली आ रही है उसको यथावत चलने दिया जाए। बाकी किसी को रामनगर से आना है, किसी को कोटद्वार से आना है, उसका हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से लोग आ रहे हैं, जो पहले का जो सेटअप है उसी में चलने दिया जाए। लेकिन सरकार अभी आपने देखा होगा वो नहीं, तो नए सेटअप से देखिए सिंबल साहब, ऐसा नहीं है कि उस पुराने सेटअप को बिगाड़ा जा रहा है, ये तो नया और बनाया जा रहा है ना। क्या मतलब आप जैसे ये कह रहे हैं कि भ्रमित है अभी, क्या भ्रम जैसे स्थिति आपको लग रहा है कि तीर्थ पुरोहितों है या सब आपको एकदम स्पष्ट नजर आ रहा है? न्यूज जो न्यूज पेपर में न्यूज है, जो हम उस आधार पे कह रहे हैं, हमने पहले भी कहा कि न्यूज पेपर ये न्यूज लगी है कि यात्रा जो है करण प्रयाग से केदार बद्री की होगी, वो मैडम वो कितना उल्टा पड़ेगा, और यात्रा ये दाएं युक्त है, पहले यमुनोत्री की होगी, फिर गंगोत्री की होगी, फिर केदार की होगी, बद्री की होगी, मेरी इच्छा के अनुसार नहीं होगी, जपेंद्र जी की इच्छा होगी कि यात्रा जो है बद्रीनाथ से चलेगी, ऐसा नहीं चलेगा। जो पौराणिक चली आ रही है यमुनोत्री गंगोत्री केदार बद्री, उसके बाद वो क्या कुमाऊं की तरफ जाए, मानस खंड में जाए, कोई पौड़ी में जाए, कोई कहीं जाए, वो उसका विषय, लेकिन जो शुरुआत है वो इसी प्रकार से होनी चाहिए। सिंबल साहब एक सवाल ये भी है, क्या जब कोई व्यक्ति चार धाम की यात्रा के लिए जाता है तो जो चार धामों का आपने नाम लिया केदारनाथ बद्रीनाथ गंगोत्री यमुनोत्री, क्या इनमें कोई सीक्वेंस है कि इस धाम में पहले जाना चाहिए? बिल्कुल, इसका जो है पहले नियम है, क्योंकि पहले जो है सूर्यपुत्री यमुना जी हैं, वहां अपना यम छुड़वा करके फिर गंगोत्री में आकर के गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों के नाम को तर्पण करके फिर गंगा जल भर के केदारनाथ में गंगा जल चढ़ाया जाता है। ये आप पढ़िए, मैं आपको डिटेल भेज दूंगा। तो क्या ये सीक्वेंस टूटेगा? यही वजह है कि आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या ये सीक्वेंस टूटेगा? ये सीक्वेंस टूटेगा, बिल्कुल टूटेगा। अगर आप रामनगर, आप हरिद्वार की जगह पॉइंट रामनगर बनाएंगे तो ठीक है। तो यहाँ बात यात्रा की नहीं है, उस पौराणिक जो व्यवस्था है उसके हर्ट होने की। ठीक है, मैं समझ गया आप लोगों की बात। ठीक है सिंपल साहब, इस पर अभी जपेन जी से हम जवाब लेंगे, कांग्रेस से शिषपाल जी भी हैं उनको जोड़ लेते हैं। शिषपाल साहब, अभी देखिए विरोध की असली वजह जो है वो निकल कर सामने आई, वो तीर्थ पुरोहितों की ओर से कहा जा रहा है कि जो एक सीक्वेंस है वो टूट जाएगा और उल्टी तरीके से यात्रा होगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि इन रूटों का भी इस्तेमाल किया जाए? आपको भी अभी क्लैरिटी, सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन सही नहीं किया सरकार ने, ये चीज लग रही है क्या? बिल्कुल गरिमा जी, मैंने तो शुरुआत ही अपने वर्जन में कहा कि जो वेद सम्मत है, जो शास्त्र सम्मत है, जिस बात को धर्माचार्य आचार्य कह रहे हैं, उस बात को सरकार जो है डिनाय करने का काम कर रही है। और कहा जा रहा है कि रामनगर से यात्रा शुरू होगी या हल्द्वानी से शुरू होगी, वो हो ही नहीं सकता। शुरुआत तो हरिद्वार और ऋषिकेश से ही होगी। हाँ, समापन जरूर उसका रामनगर या हल्द्वानी, जहां सरकार करना चाहे वो हो सकती है। सरकार को जो है बिल्कुल शास्त्र सम्मत तरीके से अगर चलेगी तो कोई भी विरोध नहीं होगा। जो यातायात की दिक्कत आ रही है, जो जाम की दिक्कत आ रही है, उसका समाधान उससे भी होता है। कुलदीप राणा जी ने भी यही बात कही, यही बात थपलिया जी ने कही, यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन भाजपा के प्रवक्ता उस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं है। आखिर जो है हट धर्मिता से अगर सरकार चीजें थोपेगी, मैंने पहले भी कहा, तो सरकार को दिक्कत आएगी। अगर आप जो है धर्माचार्यों का मार्गदर्शन लेके चलेंगे, आप अगर स्थानीय जो है व्यापारियों को, स्थानीय नौजवानों को विश्वास में लेके चलेंगे, सर्वदलीय जो बैठक बुला करके अगर कोई सर्वानुमति बनाएंगे, तो निश्चित तौर पर चीजें सही होंगी, सुझाव भी आएंगे। यानी कहीं ना कहीं जो पौराणिक व्यवस्थाएं उससे इफेक्ट होंगी, उनको लेकर गुस्सा आप लोगों में है, और वही वजह है कि विरोध आज सामने आ रहा है। ठीक है, थपलाल साहब के पास चलते हैं। थपलाल साहब, क्या पौराणिक मान्यताओं को भी दरकिनार किया जा रहा है? अगर आप लोगों की मैं बात पर आऊं तो कहीं ना कहीं यही निकल कर सामने आ रहा है जो जिस्ट है कि पौराणिक जो मान्यता है कि किस तरीके से चारधाम की यात्रा का सीक्वेंस आगे बढ़ेगा, उसको तोड़ दिया जाएगा अगर इन मार्गों से यात्रा हुई। देखो, जिस किसी की ब्रेन की उपज है वो उसको एक महामूर्ख कह सकते हैं, जिसके दिमाग में ये बात आई है, उसका मतलब उसको धर्म
ग्रंथों का ज्ञान नहीं है। यही चीज मैंने पहले भी बताया था कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में जब हम दिल्ली गए और हमने एनएसए को बताया डोभाल को कि भाई ये तुम्हारा प्रधानमंत्री क्या बोल रहा है, क्या कर दी तुमने ये यात्रा, तब उनकी समझ में आया, उसके बाद एकदम बंद कर दिया उन्होंने एकदम। हमने बोला कि इसके भी धर्म अनुसार ग्रंथों के मुताबिक यात्राएं हैं। आप ये देखिए कि जो यात्रा परंपरागत चल रही है, इसीलिए रेल मार्ग की आवश्यकता हुई और रेल मार्ग बनाया जा रहा है। उसके बाद वो जो मैं बोल रहा हूँ कि जो इनिशियली मार्ग था जिसके हजारों हजार साल यात्री चलते थे, उसको इन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर रहे हैं और हम उसके लिए कितना हम जोर लगा रहे हैं। हम बोल रहे हैं भाई जरा सा तो है, सिंगताली से तुम पल्ले चाल ले लो, लोग व्यास जी को भी नमन करेंगे जहां पे गंगा का ओम स्वरूप है, जहां पे रघुनाथ जी के चरण है, और वहां पे तुम अनदेखा कर रहे हो उस व्यास जी को जिनकी कलम से हिंदुत्व तो निकला है। लेकिन मुख्यमंत्री को मानस खंड को विकास करना है, उसको बर्बाद करना है केदार खंड, इसलिए वो ये षड्यंत्र रच रहा है। ये केवल मुख्यमंत्री के दिमाग का षड्यंत्र है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। कुलदीप जी का रुख करते हैं। कुलदीप जी, क्या सुविधाओं के नाम पर धार्मिक परंपराओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? क्या सुविधा देने के लिहाज से जाने या अनजाने ऐसा हो भी रहा है? देखिए गरिमा, पहली बात तो यह है कि हमें इस चर्चा को कभी भूल करके भी इस दिशा में नहीं ले जाना चाहिए कि जिससे समाज में और धार्मिक मान्यताओं को लेकर कोई न्यूसेंस क्रिएट हो। मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ कुछ लोग ये बहुत नकारात्मक बात कर रहे हैं और ये ठीक नहीं है, ये समाज के लिए भी ठीक नहीं है। विरोध करने का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजों को लेकर के विरोधी किया जाए, ठीक है, लेकिन ये अच्छा नहीं है जो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केदार खंड को बर्बाद करना। केदार खंड को ना कोई बर्बाद कर सका है और ना किसी में इतना दम है कि वो बर्बाद कर सके। बिल्कुल ठीक है, जब हम नहीं थे तब भी केदार खंड था, जब हम नहीं होंगे तब भी केदार खंड होगा। जपेन जी और तबला साहब, ठीक है, अब रुक जाइए, सुनिए। मंडल बने हैं, मंडलों के आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर चीजों को नहीं बांटना चाहिए, ये समाज के लिए भी उचित नहीं है। दूसरी बात, आपने जो कही, देखिए सरकार क्या कर रही है, हम सरकार पर सवाल खड़े कर सकते हैं और खड़े किए भी जाने चाहिए सरकार पर सवाल। अगर कोई कार्य ऐसा है जो लगता है कि समाज के हित में नहीं है या कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है या जिससे कोई अनिश्चितता का माहौल हो सकता है, उस पर जरूर सवाल खड़े होने चाहिए। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब चारधाम यात्रा का स्वरूप बदल रहा है। हम लगातार गरिमा पैराणिक मार्गों की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं चारधाम यात्रा के उस मार्ग उस जगह का रहने वाला हूँ जहां से पैराणिक काल में यात्रा मार्ग गुजरता था और पैदल यात्रा मार्ग गुजरता था। मेरे घर के सामने से यात्रा मार्ग गुजरता था और लोग पैदल यात्रा क्या करते थे उस समय, हमने देख, हम बहुत छोटे थे, हम इतना तो याद है कि साधु संत जो हैं सुबह सुबह ठंड में, क्योंकि दोपहर में गर्मी हो जाती थी, पैदल यात्रा में निकलते थे और केदारनाथ से लौट करके बद्रीनाथ की तरफ लोग जा रहे होते थे। जब भी अगर हम ऋषिकेश से बद्रीनाथ की तरफ जाएं तो ऋषिकेश के सामने नदी के उस तरफ आप पहाड़ी में एक पगडंडी देखेंगे। कहा जाता है कि वो चारधाम यात्रा का पौराणिक मार्ग है। कितने लोग उस पौराणिक मार्ग से पैदल यात्रा करते हैं? समय बदला ना, परिस्थितियां बदली, नई व्यवस्थाएं आई, लोगों ने स्वीकार किया। केदारनाथ में आपदा आई, पहले केदारनाथ की आप जो मार्ग था वो 12 से 14 किलोमीटर का था, आपदा के बाद नया मार्ग बनाना पड़ा। महत्वपूर्ण क्या है, मंदिर महत्वपूर्ण है या मार्ग महत्वपूर्ण है? जहां आपने उद्देश्य यात्रा में जाना है वो महत्वपूर्ण है ना। यात्रा मार्ग को लेकर के व्यवस्था क्या है, जैसा अभी मैं जो सेमाल जी ने कहा बिल्कुल सही बात है, हमें ये समझना होगा। देखिए उत्तराखंड के चार धाम और भारत के चार धाम, ठीक, गंगोत्री, माँ श्री गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ये उत्तराखंड के चार धाम हैं। जब हम भारत के चार धामों की बात करते हैं तो उसमें बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम आते हैं। ठीक है, ये भी सही है कि सभी लोग बद्रीनाथ नहीं जाते, सभी लोग केदारनाथ भी नहीं जाते और सभी लोग यात्रा में आने वाले गंगोत्री यमुनोत्री भी नहीं जाते। हाँ, लेकिन जिनके अपने पौराणिक कर्म कांड हैं,
वो लोग जरूर इन सारी यात्राओं को पूर्ण करते हैं। और ये एक परंपरा बनी हुई है कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है, लेकिन सरकार को इस मार्ग से बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहां तक वैकल्पिक मार्ग की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसलिए पड़ रही है क्योंकि सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव है, यात्री आ रहे हैं या धार्मिक यात्री के साथ साथ पर्यटक भी आ रहे हैं। और अभी जून के महीने में आप देखिए बद्रीनाथ मार्ग पे सबसे ज्यादा लोड इसलिए होता है क्योंकि चारधाम यात्रा के साथ साथ जो वहां पे हेमकुंड साहिब की यात्रा है वहां के यात्री भी आने लगे हैं, ठीक है। अब हमें अगर हम एंट्री को बदलने के बजाय अगर हम एग्जिट को बदले कि भाई बद्रीनाथ में आपने अंतिम दर्शन किए, उसके बाद आप कर्णप्रयाग से, आपके पास दो मार्ग बनते हैं, आप कर्णप्रयाग से या तो ग्वालदन होते हुए कुमाऊं आ जाएं और दूसरा या तो गैरसैंण जो अस्थायी राजधानी का मार्ग है वहां से रामनगर होते हुए बाहर निकल जाएं, तो होगा ये कि जब वाहन आपस में क्रॉस नहीं करेंगे तो ट्रैफिक का लोड कम होगा और जगह जगह ट्रैफिक का दबाव कम बनेगा, वन वे ट्रैफिक होगा। वन वे ट्रैफिक एक वैकल्पिक व्यवस्था हो सकती है। दूसरा, जो कोटद्वार से मार्ग की बात हो रही है या जो कुमाऊं मंडल से मार्ग यात्रा की मार्ग बात हो रही है, अब देखिए कुमाऊं का जो यात्री है कुमाऊं मंडल से आने वाला, वो पहले हरिद्वार तो नहीं आएगा ना, उसके लिए जो नजदीकी सुलभ मार्ग होगा वो उसी को लेगा, ठीक है। हमें ये व्यवस्थाओं को भी देखना होगा कि जो हेमकुंड साहिब, लेकिन इस बात को तो देखिए कुलदीप जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि सबसे अहम मंजिल है ना कि मार्ग पर उतना विशेष ध्यान देना चाहिए। और बड़ी बात यह कि देखिए कहीं ना कहीं ये तो आप भी मानेंगे कि थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन आपने पहले ही जवाब में, खैर वो बात कह दी थी कि क्लैरिफिकेशन और कम्युनिकेशन गैप सरकार की ओर से बहुत रहता है, यही वजह है कि तुरंत विरोध शुरू हो जाता है। जपेंद्र जी का रुख कर लेते हैं। जपेंद्र जी, ऐसा क्यों होता है आखिर, अगर आप, हाँ सर जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए, वक्त कम है। जी जी देखिए गरिमा, यहाँ उत्तराखंड में ना सरकार के साथ समस्या क्या है कि यहाँ सरकार का कोई प्रवक्ता नहीं है। कुंवर जपेंद्र यहाँ बैठे हुए हैं, ये भाजपा के प्रवक्ता हैं, भाजपा राजनीतिक दल की सरकार है, कि सरकार के प्रवक्ता नहीं है। सरकार क्या स्टैंड ले रही है, सरकार में वास्तविक क्या स्टैंड लिया जा रहा है, क्या नीतियां बन रही है, यह तो सरकार का प्रवक्ता ही बता सकता है, या सरकार का कोई मंत्री जो कैबिनेट में हो, ठीक है, या कोई अधिकारी जो उस व्यवस्था से जुड़ा हो। लेकिन समस्या क्या है कि वो चीज नहीं है। यही कारण है कि सरकार के बीच में और जनता के बीच में संवादहीनता बढ़ती जा रही है। ठीक है ठीक है, अब जपेंद्र जी से जवाब ले। जपेंद्र जी देखिए, संवादहीनता पहले तो आपके विरोध के लिए जिम्मेदार मानी जा रही है, और दूसरी बात क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं करते आप, क्या विरोध सुनना अच्छा लगता है? देखिए हाँ, जल्दी से कीजिएगा, बहुत कम वक्त। पहले तो कुलदीप जी ने जो सुझाव दिए और बाकी साथियों ने भी दिए, तो आपके सुझावों का सरकार शुरू से ही स्वागत करती रही है और उन सुझावों के ऊपर गौर किया जाता है। दूसरी बात, अभी कुलदीप जी ने कहा, तो कुलदीप जी ऐसा नहीं है, जब हम लोग बैठते हैं प्रवक्ता गण, हम लोग बैठते हैं, चर्चा होती है, आप हमारी भी, हमारे भी आज ये डिबेट हो रही है, तो सरकार की तरफ से, संगठन की तरफ से इसे मॉनिटर किया जाता है, और जो चीजें इसमें अच्छे सुझाव आते हैं फिर वो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम वो सरकार तक पहुंचाएं, हम विभागों तक पहुंचाएं कि किस पैटर्न के ऊपर काम के सुझाव आए हैं और क्या हो सकता है। इसीलिए हम बैठते हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों के सुझाव लेते हैं, तो आप लोगों के सुझाव का स्वागत करते हैं, और जो चर्चा में तथ्य निकल कर आते हैं उन तथ्यों को सरकार तक पहुंचाना, संबंधित अधिकारियों विभागों तक पहुंचाना, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सब आप सभी सुझावों को उसके बाद निर्णय लीजिए, लेकिन बड़ी बात यह है ना कि कम से कम क्लेरिफिकेशन वाली स्थिति रखिए। कोई भी भ्रमित करने वाली स्थिति होगी तो विरोध के स्वर तो अपने आप ही उठेंगे, जिसके बाद आप कहेंगे कि ये तो विरोधी हैं और सिर्फ विरोध करने के लिए ही विरोध कर रहे हैं। ठीक है जपेंद्र जी, माफी चाहती हूँ। अभी बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो अधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने को कह दिया गया है, लेकिन दूसरी ओर नए मार्गों को लेकर जो विरोधी दल हैं वो लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। इसके साथ ही तीर्थ पुरोहितों और पंडा पुरोहितों में भी इन नए मार्गों को लेकर कई तरह के भ्रम नजर आए हैं। देवभूमि के दंगल में आज उतना ही, तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।